मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करने वाले इंसान को जल्द या बदेर उसका फल मिल ही जाता है, ये मानना है मारिया शमून का, जिन्होंने हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके असिस्टेंट कमिश्नर बनने का एजाज हासिल किया है। मारिया का ताल्लुक क्वेटा शहर के एक मतवस्त घराने से है, जिन्होंने अपने दीगर बहन भाइयों की तरह अपनी तमाम तालीम सरकारी तालीमी इदारों से हासिल की। मेरे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, तो हम कोई 300 से 400 लोग थे जो इस एग्जाम दे रहे थे। इनरोल तो बहुत से लोग थे, लेकिन 300 से 400 लोग जो थे वो पेपर्स एग्जाम्स दे रहे थे, जिनमें से सिर्फ 9 लोग जो है वो पास हुए, और उन 9 लोगों में से 2 लोग असिस्टेंट कमिश्नर के लिए और 5 लोग सेक्शन ऑफिसर के लिए जो सेलेक्ट हुए थे, उनमें से मेरा पहला नंबर था। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं यही देख के सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि अगर मैंने पास किया है तो किसी डिस्टिंक्शन के साथ एक टॉपर होने की हैसियत से पास किया है। मारिया का कहना है कि उनके वालिद शमून मसी क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में ड्राइवर थे, जो 2016 में रिटायर हो गए। वालदा भी मुलाजमत किया करती थी। कम आमदनी के बावजूद वालिदैन ने 8 बच्चों को अच्छा पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। नाकामियों के बावजूद वालिदैन ने हमेशा हौसला बढ़ाया। अपने वालदैन के बारे में अगर आपको बताऊं, उनकी मेहनत और काविश जो उन्होंने हमारे लिए की, तो क्योंकि मेरे बाप एक ड्राइवर था और ना उनकी इतनी तनख्वाह थी, 600 रुपए से उन्होंने शुरू किया था, और मेरी माँ एक स्कूल में एक छोटी सी जॉब करती थी उनकी सपोर्ट करने के लिए, तो हमारे माँ बाप के पास क्योंकि इतनी ना सैलरी थी ना इतने अखराजात अफोर्ड कर सकते थे, तो फिर उन्होंने इतने कम रिसोर्सेज में इतने कम तनख्वाह में सिर्फ यही सोचा कि वो बच्चों की तालीम पर लगाएंगे। मतलब हमारे वालदैन ने हमारे लिए ये सब कुछ तो नहीं किया, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना अच्छा रहने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पहले एक ही कमरा होता था और उसी में हम 8 बहन भाई और मेरे वालदैन, और उसी के साथ एक छोटा सा किचन होता था, वहीं पे हमें पढ़ना होता था, वहीं पे हमें सोना होता था। तो हमारे लिए पढ़ाई में ये भी बहुत बड़ी मुश्किल थी कि हमारे लिए पढ़ने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी। मारिया शमून के वालदैन भी बेटी की कामयाबी पर इंतहाई खुश हैं और फख्र महसूस कर रहे हैं। सबसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारी कम्युनिटी से भी और लोगों से भी, हमारे खानदान से भी। बड़ी फ़ख्र की बात है ये हमारे लिए, अपनी बेटी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए हम बहुत खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे तकरीबन सब बच्चे ही मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और खुदा का शुक्र है कि 17 में हैं ज़्यादातर, और ये खुदा ही करने वाला था। हमने तो ना किसी को सिफारिश की, ना किसी को पैसा दिया है, बच्चों ने अपनी काबिलियत पे सब कुछ किया है। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर अपनी कौम और दुखी इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखती हैं। मारिया शमून ने सीएसएस में 3 और पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 बार नाकामी के बावजूद हिम्मत न हारी, मेहनत जारी रखी और मुकाबले के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन का सर फखर से बुलंद कर दिया। कैमरामैन जफर बलोच और जुनेद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, क्वेटा।